चलिए रखिए ना, चलिए हम कर रहे हैं। नमस्कार, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर जहां एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में जो पत्रकार है, जो पेशे से पत्रकार है, उनमें खुशियों की लहर है, तो वहीं ढेर सारी मुबारकबाद आ रही है। वहीं देखते चले कि सीतामढ़ी की कलेक्टर डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने पत्रकारों के सम्मान में लंच पार्टी दिया और आपने देखा अभी मैंने लाइव दिखलाया है कि पत्रकारों को सम्मानित किया गया। तमाम प्रेस के लोग, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के हों, या फिर अभी नए युग के क्रांतिकारी चैनल के लोग जिसे हम पोर्टल मीडिया कहते हैं, हम चलते हैं डीएम सीतामढ़ी से अभिलाषा कुमार शर्मा जी से बात करते हैं, किस तरह से आपने शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट पहुंचाऊं। जी मैम, राष्ट्रीय प्रेस दिवस पे सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से आप सभी ने कोरोना वॉरियर के रूप में लगातार कार्य किया है, ये काफ़ी प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। आप सभी ने निर्वाचन कार्य में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मतदाताओं को जागरूक किया ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार आप सभी निष्पक्ष तौर पे जनता की आवाज़ बनकर आगे आए और लोगों की बात हम तक पहुँचाए और हमारी बात लोगों तक पहुँचाए। मैम, आप जिला प्राधिकारी हैं, कभी कभी पत्रकारों को क्षेत्र में ऐसा होता है कि जो निचले प्राधिकारी होते हैं ब्लॉक लेवल पे, वहाँ परेशानियाँ होती हैं, उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ती है प्राधिकारियों द्वारा या फिर जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा, तो किस तरह से सम्मान की दृष्टि से पत्रकारों को देखा जाए, क्योंकि पत्रकार खुद गरीब होते हैं, खुद दिन भर भूखे होते हैं, खुद अपने आप में खबर होते हैं, पूरे परिवार में खबर होते हैं, लेकिन दूसरों की खबर के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए वो घूमते रहते हैं। सभी पत्रकारों के जज्बे को लगातार हम सभी सलाम करते हैं और सभी को सेंसिटिव होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पत्रकार बिल्कुल एक वॉरियर के तरह डटे रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी कर्मी हो, पदाधिकारी हो या आम जनता, इनके साहस को समझने की आवश्यकता है कि आप सभी समझिए, इनके जज्बे को समझने की आवश्यकता है और प्रेम और सम्मान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग अपने बारे में बिना सोचे समझे लगातार कोरोना के समय में भी पत्रकारिता कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और मेरी यही सभी से अपील है और सभी लोगों से देश है कि आप सभी पत्रकारों के बारे में भी समझें और उनको भरपूर सहयोग करें, क्योंकि वो लोगों की आवाज़ और लोगों की सारी ज़रूरतों के आपके सामने लाती है और आपके बातों को भी उन तक पहुंचाती है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हम आप सभी के लिए ये करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह अपने जज्बे को बुलंद करके पत्रकारिता का कार्य करें। आप डीएम सीतामढ़ी अभिलाषा कुमारी शर्मा है, आपने पत्रकारों के सम्मान में एक शानदार डिनर का आयोजन किया है और आपने देखा कि कई सारे पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया है, तमाम लोगों को, प्रेस क्लब को भी डीएम सीतामढ़ी द्वारा मोमेंटो दिया गया और उन्हें भी सम्मानित किया गया। आज का दिन बेहद खास, मैं आपको बताऊं कि एक चीज़, बिहार सरकार फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर के आज शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार ने जो पत्रकारों के लिए किया है, 20 साल अगर कोई पत्रकार कहीं की संस्था में काम करता है तो उन्हें 6 से 7 हज़ार रुपये पेंशन मिलेंगे, लेकिन हुजूर महोदय, ये 20 साल का जो लंबा सफ़र आपने बांध दिया है, इतने दिनों में एक शेर है कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, तो जब तक कि आपको खबर होगी, जब तक कि आपका पेंशन तैयार होगा, जब तक कि आप हमारे लिए सोचेंगे, तब तक हम अपने गरीबी के कारण, तब तक हम अपने मजबूरी के कारण और तब तक हमारे सैकड़ों भाई अपने अपने दुख के कारण पत्रकारिता छोड़ चुके होंगे और वो न जाने किस हादसे पर पहुंच चुके होंगे। तो आप नए सरकार में आए हैं, नए युग में आए हैं, 250 बिहार आपसे ये गुहार लगाएगा कि पत्रकारों के लिए सोचिए और हम बात करते हैं। जी हाँ सर, सर पत्रकारों के लिए 20 साल की योजना, सरकार की अपनी योजना आज की आज बनती है और पत्रकार 20 साल काम कर लेगा, 10 साल काम किया मैं मर गया, मेरे बच्चों को क्या मिले? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया में सुधार होना चाहिए और चूंकि अगर ये घोषणा किया गया राज्य सरकार के लिए तो स्वागत योग्य है, लेकिन सुधार की भी इसमें गुंजाइश होनी चाहिए। वो बात सही है, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, इसका मैं समर्थन करता हूँ लेकिन स्वागत भी करता हूँ, चूँकि योजना लाई गई है और सुधार की बात है, सुधार की मांग करता हूँ कि सुधार होना चाहिए। स्वागत इसलिए हो रहा है क्योंकि पत्रकारों के लिए किसी ने सोचा ही नहीं। हुजूर मुख्यमंत्री, आप लगातार 20वां साल आप पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन ये पत्रकार है जो देश को लिए फिरता है, ये पत्रकार है जो लोकतंत्र के चौथे खंभे को मजबूती प्रदान करता है और ये पत्रकार है जो हमेशा अपनी मजबूरियों को न लेकर के दूसरे के मजबूरियों को लाता है। हमारे साथ सर डीपीआरओ सर है, आप हमारे जिला प्राधिकारी हैं पत्रकारों के सम्मान में।
आज के ऑन अवसर पर पहले तमाम साथियों को हार्दिक बधाई हार्दिक अभिनंदन। बीस सरल आवाज खाते हैं फिर बात।